गरीब के मसीहा थी और पूरा दलित के अगर नेता थी पूरा बिहार में पूरा देश में तो जीता राम मांझी जी थी। अब अगर दलित के अलावा अगर दूसरा कोई आदमी अगर बात उठावा थी तो सोचे थी कि दलित के हम वोट अपना बैंक के करवे। 2005 में का दशा तू करला है बिहार के, अब चली था कि हम सुधार दे, उस सुधार के कैसे कैसे पटरी पर लकथिए नीतीश कुमार उसा। जैसे वो कहे नहीं जाता है कि हारेंगे तो हूरेंगे और जीतेंगे तो थूरेंगे, तो वो तो न घर के है न घाट के, अभी तो कुछ भी बोल सकते हैं। हम अभी सर्किट हाउस में है, नवादा के सर्किट हाउस में, यहाँ नेतागण रुकते हैं, पदाधिकारीगण रुकते हैं जो भी गया नवादा में आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इन लोग भी आए हुए थे, इन लोग से जानेंगे कि बहुत बड़े बड़े बातें जो लोग कर रहे थे कि नवादा में ऐसे हो गया, दलितों के हम ही तैसी हैं, महादलितों के हम ही तैसी हैं। हम जानना चाहेंगे कि बिहार में दलितों का ही तैसी कौन है। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। हम ये कहना चाह रहे थे कि RJD की तरफ से लगातार आप लोग के नेता के ऊपर हमला किया गया बातों के द्वारा, साथ ही बहुत सारे उसके टीम भी आया था यहाँ और हमला करके गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम कहल चाहिए साफ बात, अगर बिहार राज्य में दलित पर अगर सबसे ज़्यादा अत्याचार करे वाला है तो उन्हीं के समाज के लोग हथे। अच्छा। अब अभी जमीन के मामले में बात हो भाई, या फिर आओ कोई चीज़ के बारे में बात हो भाई, सबसे ज़्यादा अगर मार कर रहा है RJD वाले ही लोग ज़्यादा मार कर रहे हैं। कहे भाई, आज यहाँ सब बड़ी से होकर नेता हड़र बड़र बड़र बोल कर थी हमारे नेता आदरणीय जी तेनाली मांझी जी पर, आज तक तो उस हम कोई न देखे लथी है। अब आज हमने पूरा बाले बचे परिवार हम यहाँ मिल करके जीताराम मांझी जी के साथ हमने के पूरा हम पार्टी के पदाधिकारी लथी और मिल करके वहाँ सब हमने अपनी परिवार के साथ मिली, जो जरूरत के चीज़ हल हमने भी दे लिया और सरकार से भी दिवेलिए। तो कहीं ना कहीं अगर गरीब के मसीहा थी और पूरा दलित के अगर नेता थी पूरा बिहार में पूरा देश में तो जीताराम मांझी जी थी। अब अगर दलित के अलावा अगर दूसरा कोई आदमी अगर बात उठावा थी तो सोचे थी कि दलित के हम वोट अपना बैंक के करवे। हम कह देवल चाहिए विपक्षी भाई से, तो नहीं सतर्क हो जा, दलित परिवार एक हो गेलो है, अब एक होकर के 2025 में जो आवे वाला चुनाव होगा तो नहीं के इतना जबरदस्त तो नहीं के मुंह तोड़ जवाब मिलतो, वो मुँह धले गिरवा, ये एक परिणाम नहीं जी आवे के चाहिए बाले बच्चे। अरे राजनीतिक तो जगह पर है लेकिन अपना लोकाचारी के हित में भी लेकर के तो नहीं कोई स्थान पर पहुँचे के चाह लो। बेचारा महादलित परिवार के एगो जीताराम मांझी जी के परिवार के हथी तो वहाँ गलत ही गिरित पड़ी, लेकिन ओकरा में विपक्ष में जो विधायक जो बैठल है वो अभी तक कोई देखे लथी है जी। ये सब तू अपन चैनल के माध्यम से बतावा और विपक्ष भाई के हम बता देवल चाहियो कि इस बार तोनी सब सबक लेला, केकरो पर कटास न करा और खुलियाम कही थी कि पूरा देश के अगर दलित के मसीहा थी तो जीताराम मांझी जी हथी हम पार्टी है। जे समाज पर अत्याचार होले उस समाज के विधायक हथिन रामबीरी सदा जी, लेकिन वो आपके नेता पर लगातार बयानबाजी कर रहे थे, हम हैं गरीबों के नेता, हम हैं दलितों के नेता, बाबू फलना, वो नहीं आए, क्या कहना चाहें? कहा जाए को देहाती कहावत है, चले नावे अंगनवा टेढ़, ओकरा खुद न बुझाई थी और सीधे तेरे बोर सुघा कहावत सुन लो होत कि बूढ़ सुघा पोस माने है पोस नहीं माने, तू तो बेचारा टुकुर टुकुर रे रे बाबू कहा होता का याद करिए, तो वह चीज माने बोलता है, ओकरा तो खुला के भी आजादी न मिल रही है आपकी। ओकरा 2025 में खुद हमने वहाँ जाके देखी थी, लड़ ली चुनाव, जनता ओकरा मुंह तोड़ जवाब देता थी, उनकर क्षेत्र में जाके हमने घूर लिए जी। हम पार्टी जिस समय गरीब संपर्क यात्रा निकाल कर थी आयल, वो उनका क्षेत्र के हजारों हजारों के संख्या में बाले बच्चे हमारे परिवार के लोग एक होकर के कथी कि अब की बार जीताराम मांझी जी के सरकार। तो 25 में जीताराम मांझी, हाँ इसमें तो भाई जनता का ही था थी, हम कुछ कहो जी, जनता से जाके पूछा ना, गरीब के नेता थी जनता, लोग चाहिए था थी कि जितना जल्दी जीताराम मांझी जी आती और उनकर जो लड़का हथी आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हथी, वो भी हमने पूरा तैयारी के साथ ही हो और जहाँ गरीब के पास अत्याचार हो तो हमने पहुँचबो, और इसने लोग करी था थी सरकारी में पूरा मुस्तैदी के साथ लगल हथी। प्रशासन देख लू ना जी, प्रशासन तो पूरा बेचारा जोर तोड़ लगल हथी, लेकिन वैसनकन में जो घुसखोरवन आदमी न थी विपक्ष अपने आदमिया में दूसरका आदमिया के घुसवा करके और घर जे जलावे के काम करके थी, ओकरा मुँह तोड़ जवाब हमने देवे, जनता सब देखी था थी तू गलत चाल ना चला। पहले 2005 में का दशा तू करला है बिहार के, अब चली था कि हम सुधार दे, उस सुधार के कैसे कैसे पटरी पर लकथिए नीतीश कुमार उसा। वो कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज, जंगल राज में तू हमने कर रखेला है जी, हमने बाल बच्चा बढ़िया से पढ़ा ले जी, एगो राम से नहीं मांझी इतना बढ़िया से माइक पर बोला है ले जी, आवाज इस संतरा में बोली थली, हमने के घर से ना निकले दे लो,
तो इनके बता देवल चाहिए चैनल के माध्यम से तू बतावा आवाज जीताना मांझी जी के टाइम में, नीतीश कुमार मांझी नीतीश कुमार जी के टाइम में, नरेंद्र मोदी जी के टाइम में, एक गरीब के बेटा हमने पढ़ाई लिखाई भी करी थी, हम भी अभी नेतागिरी में आइयो पीएचडी भी करी थी, आज स्वतंत्र नहीं जी, इसलिए कह देवल चाहिए विपक्ष भाई तो नहीं हबड़ गबड़ नहीं बोला, एक गरीब परिवार के घर जल ली। सर आप बारा चट्टी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और आपके आरजेडी के जो पिछले बार कैंडिडेट थी विधानसभा का समता देवी, वो आई थी और वो बोल रही थी कि हमारी माँ भगवतिया देवी ने गरीबों को जमीन दिया था, गरीबों को हक अधिकार दिलाया था और आप ही का क्षेत्र के हैं और आप भी वही क्षेत्र के हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हक अधिकार उनको कोई दिया नहीं, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले उनको हक का दिया, हक अधिकार वहाँ के जनता ने दिया उनको, जो मतदाता होते हैं, मतदाता जो जनता होता है वो हक दिया आपको, आप क्या दीजिएगा जी, आपके पास क्या है, आपके पास सारे मतदाता लोग पावर दिए तब जाके आप लोकसभा गए, उसी में से आप दिए तो आप अपना घर से थोड़ी दिए। अगर कोई नेता कहता है कि हम अपने घर से दिए तो ये बहुत बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को और आपका वोट का वो मिस यूज कर रहा है। भगवतिया देवी की बेटी समता देवी बोल रही है कि जीतन राम मांझी मांझी नहीं है, तो वो मांझी है, हमको तो नहीं लगता कि वही मांझी नहीं है। कैसे आप कह सकते हैं? हम कैसे नहीं कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वो मांझी नहीं है। जब आपको जीतन राम मांझी, आप जीतन राम मांझी उनको बता देना चाहते हैं कि आप कभी जीतन राम मांझी नहीं बन सकते हैं, आप एमपी बन सकते हैं, नेता विधायक बन सकते हैं लेकिन नेता नहीं बन सकते हैं। जीतन राम मांझी आज जिस जगह पे है, हो सकता है आपको पता नहीं आप इस बार बनिएगा कि नहीं बनिएगा, लोग भूल जाएंगे लेकिन जीतन राम मांझी जी को हमेशा बरसों बरसों याद किया जाएगा। ये कैसे नेता है, यहाँ नहीं पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व इनको जानता है और इनके सामने उनका तो कुछ नहीं है। वो कहेंगे क्या, जैसे वो कह नहीं जाता है कि हारेंगे तो हूरेंगे और जीतेंगे तो थूरेंगे, तो वो तो न घर के हैं न घाट के, अभी तो कुछ भी बोल सकते हैं। और विपक्ष वाला का तो ये मतलब है कि उनको कुछ करना है नहीं, अभी तक उनको ज़्यादा चिंता था तो कुछ करना चाहिए ना, के आप खाली मीडिया के सामने बोल के चल जाइएगा कि ये है वो है, लेकिन इनके जैसा बनने में अभी बहुत जमीन आसमान एक भी हो जाएगा ना तो वो कभी नहीं बन सकते। आपके नेता आज यहाँ आए नवादा में, उन पीड़ितों से मिले, क्या क्या सहायता दिया गया? देखिए यहाँ जो भी हम लोग फर्स्ट दिन भी आए थे, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, फर्स्ट दिन ही हम लोग आए थे, आदरणीय हमारे, हम गरीब गुरबों की बुलंद आवाज़, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के आदेशानुसार हमारी शिष्टमंडल पूरी आई थी उस दिन, जिस दिन घटना के पुनः सुबह में, तो वो उन्होंने सारा व्यवस्था है, अभी आपने देखा होगा कि जो पंडाल लगा हुआ था वो हम लोग के समक्ष ही डीएम को कह के और ये सारा व्यवस्था दिया गया था, हम लोग के सामने ये बात हुई थी। तो हमारे नेताजी तो हर तरह से प्रयास कर रहे हैं, हमारे नेता का देन है कि आज वो जो दलित परिवार हैं, जो भी भाई लोग हैं, अभी तक स्थिति कम से कम ठीक है, उन लोगों को मुआवजा भी कुछ दिया गया हम लोगों को आने के बाद, तो व्यवस्था तो दे रहे हैं। और ये खास करके हमारे नेता इस तरह के कदम उठाएँ कि व्यवस्था में किसी तरह को लोग दिक्कत नहीं है, मतलब जो भी सरकारी लाभ होते हैं गरीबों के लिए, जो भी उनको जिला से आता है वो सारे व्यवस्था उनको दिलाए हैं, ये हमारे नेता का है। इनका कहना है कि समता देवी जो जीतन राम मांझी पर टिप्पणी किए थे कि वो मांझी नहीं है, तो इनका कहना है कि समता देवी हमें लगता है कि वो मांझी नहीं है। बाकी आप कैसे देखते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।